हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। एक फिर से आपके बीच में काफ़ी शानदार यूनिट लेकर आए। हालांकि ये यूनिट सोल्ड आउट है, क्लाइंट इसमें शिफ्ट हो चुके हैं कि उसे त्यौहार का सीज़न है तो हर कोई अपने घर में जाना चाहता है। बट इसका वीडियो हम आपके लिए लेकर इसलिए आए हैं कि आप हमेशा प्रॉपर्टी को वैकेंट देखते हो, हम सिर्फ आपको अज्यूम कराते हैं कि यहाँ पर ये लग जाएगा। इसमें वो हर चीज़ कंप्लीट है और आपको एक पूरा आइडिया हो जाएगा कि कोई भी चीज़ का सेटअप होने के बाद वो चीज़ कैसी लगती है। यूनिट के डायमेंशन की बात करें तो 20x45 यानी कि 900 स्क्वायर फिट है। फ्रंट इसका 20 है, डेप्थ इसकी 45 है, 900 स्क्वायर फिट वेस्ट फेसिंग है। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो स्टार्टिंग में जो आप नीचे तरफ दिख रहे हो ये मिलने वाला है आपको एलिवेशन टाइल जो आप सामने देख पा रहे हो। इसी के ऊपर वापस से हमें मिलेगा एलिवेशन टाइल, बालकनी में एक वर्टिकल गार्डन और उसी के ऊपर फिर से एलिवेशन टाइल और वॉल टेक्सचर जो है वो आपको देखने मिल जाएगा, जहां पर जो फोर वे लाइट आपके सामने आ रही है। इसी के साथ एक साइड जो है वो आपका लिया हुआ है मेन गेट की तरफ, जो कि डुअल टोन में होने वाला है, ग्रे वाइट कॉम्बिनेशन है वो इस पर लिया हुआ है। और सामने आपको मिलेगा एक अच्छा सा रैंप 900 स्क्वायर फीट। अधिकतर 1000 पे भी कार पार्किंग अच्छे से नहीं निकलती, बट यहाँ पे 900 में भी एक अच्छा खासा कार पार्किंग यहाँ पर निकाला हुआ है। चलते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर गेट खोलें तो जो पूरी चौड़ाई होने वाली है वो काफ़ी ज़बरदस्त है और उसी के साथ आपका जो एलिवेशन है एलिवेशन को मैच करता हुआ है। आप अगर देखो तो एक अच्छी चौड़ाई के साथ आपको पार्किंग में एंट्री मिलती है, जहाँ पे आपकी एक हैचबैक गाड़ी काफ़ी आराम से अंदर खड़ी हो सकती है। अब यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है मैं आपको वो बताता हूँ कि नीचे जो आपको टाइल दी है ये एंटी स्किड दी है कि आपकी गाड़ी बहुत सी जब पानी होता है आपके फ्लोर पे तो गाड़ी का पहिया गोल गोल घूमने लगता है या हमारे पाँव की पकड़ जो है वो नहीं बन पाती है। तो यहाँ पे जो आपको टाइल मिल रही है ये एंटी स्किड टाइल दी हुई है। उसी के साथ यहाँ मिलने वाली है आपको आपके इंडिविजुअल बोरिंग और यहाँ मिलने वाला है आपको इंडिविजुअल वाटर टैंक। उसी के बाद अब बात करें इसी के ऊपर की, तो यहाँ मिलने वाली है आपको फॉल सीलिंग जिसपे चार सीलिंग लाइट दी है, जिससे आपके जो पार्किंग में उजाला है वो प्रॉपरली बना रहे। और उसी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी वो वॉल जिस पे लिया है यहाँ पे एक शानदार सा मंत्र, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यहाँ एक आ जाएगा आपका येलो स्टोन पे शानदार सा मंत्र, जिससे आपकी जो पार्किंग है वो काफ़ी सुंदर हो जाती है। इसी के बाद बात करें तो यहाँ होने वाला है आपका मेन गेट और उसी के पास की बात करें तो यहाँ पूरा वीनियर से काम किया है इसके फ्रंट का, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। एक मेन गेट, उसी के पास में आपका शानदार सा वेंटिलेशन के लिए विंडो और उसी के बाद सेफ्टी के लिए इस वॉल पे दिया है आपको कैमरा और इस तरफ आपको मिल जाएगा आपका शू रैक, जिसका टॉप जो है वो वीनियर से बनाया है और उसी के नीचे पूरा स्पेस दिया है कि आपके शू रैक जो है वो आप आराम से जमा लें, आराम से बैठें और आराम से अपना जो शू है वो आराम से अपन पहन सकते हैं। इसी के बाद बात करें मीटर जंक्शन की, तो वो होने वाला है यहाँ पर जो वॉल के साथ उसको लिया है पल्की फाइन में, इसी के अंदर आपका पूरा जो मीटर जंक्शन है वो आ जाएगा। तो आपका जो इस तरीके से आपका जो पार्किंग है वो आपको इस तरीके से देखने में आने वाला है। इसी के बाद अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो सबसे पहले जो मिलेगा वो मिलेगा हमें मॉस्किटो नेट वाला गेट, जो कि पूरा वीनियर में बनाया है। ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर नेट और नेट पर CNC कटवर्क किया हुआ है MDF पर, जो यहाँ पर लगाया है और इसको खोल लें हम तो ये यहाँ पर स्टिक हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा मेन गेट, जिसकी चौखट जो है वो पूरी वीनियर से बनाई है और वीनियर डोर हमें हमारे सामने देखने मिलेगा, जिसकी जो चौड़ाई है एग्जैक्ट 4 फिट और हाइट जो है वो है 8 फिट इसमें ली हुई है। चले अंदर की तरफ शूज़ उतार के, तो यहाँ आपको स्टार्टिंग में देखने मिलेगा एक ब्लैक ग्रेनाइट का बेल्ट। यहीं से चलेंगे अंदर की तरफ। वेस्ट फेसिंग है तो पूरा वास्तु के हिसाब से इसको बनाया हुआ है। जैसे ही अंदर आएंगे तो अंदर आते से एक बड़ा सा लिविंग हमें देखने मिलेगा। देखिए अधिकतर कमेंट्स होते हैं कि लिविंग छोटा है या बेडरूम छोटा है, डिपेंड करता है कि आपका प्लॉट साइज़ जो है वो कितना बड़ा है। जैसे कि 20 का हमें फ्रंट मिल रहा है तो यहाँ पे जो लिविंग है उसका काफ़ी प्यारा साइज़ निकाला हुआ है। अब जैसे ही आप अंदर आओगे तो सबसे पहला जो आपका अट्रैक्शन बनेगा वो आपका बनेगा ये वॉल और वॉल के साथ आपकी डबल हाइट, जो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, काफ़ी शानदार लग रहा है। वॉल पूरी यूरोपियन में लिया हुआ है और उसी के साथ पूरा एक शानदार सा डबल हाइट, जिसको ऊपर वीनियर में उसका टॉप बनाया हुआ है। जो सीलिंग बनाई है वो वीनियर से बनाई है, कि जब आप अंदर आओगे तो अंदर आते से ही आपका जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। उसी के बाद बात करें डबल हाइट वॉल की, तो उसी के आगे लिया हुआ है आपका कंप्लीट सिटिंग, जहाँ पे 7 से 10 लोग ईजिली बैठ सकते हैं। आराम से बैठने के बाद एक अच्छा डिस्टेंस आप TV देख सकते हो, एक पाथवे जो है वो आपको अच्छे से मिल जाएगा, एक शानदार सी सिटिंग,
टी टेबल का अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है और उसी के जस्ट अपोजिट वॉल पे यहाँ लिया है पूरा आपका एलईडी पैनल। एलईडी पैनल को जो बनाया है वो काफ़ी खूबसूरती से बनाया है। जो आप ये देख रहे हो ये पैनलिंग की है माइका से, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है। उसके ऊपर आपका एलईडी दिया हुआ है और उसके पीछे जो है वो आपको पीवीसी लोअर्स देखने को मिल जाएंगे जो काफ़ी खूबसूरती से लगाए हैं। और उसके नीचे अगर आप देखो तो वीनियर से कम्प्लीट किया है, जिसमें आपका स्टोरेज है, जो हम लोग न्यूज़पेपर, टीवी रिमोट या जो हमारा एक्स्ट्रा सामान होता है वो यहाँ पर हम आराम से रख सकते हैं। अब हम अधिकतर जब बात करते हैं कि यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टीवी लगा हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट है, तो आप इस तरीके से आपका जो घर बनता है तो लिविंग आपका इस तरीके से हो सकता है। बाहर से हमने जो वेंटिलेशन के लिए विंडो देखी थी वो विंडो आपको इस तरीके से देखने मिलेगी कि आप उसके ब्लाइंड्स अगर खोलें तो यहाँ से प्रॉपरली सनलाइट जो है वो आपके घर में यहाँ से एंटर हो सकती है, नेचुरल एयर जो है वो यहाँ से एंटर हो सकती है। और एक इस तरीके से आपका जो लिविंग है, मैं गेट लगा दूँ तो इस तरीके से जो आपका लिविंग है, लिविंग का एक व्यू जो है वो इस तरीके से होने वाला है, जहाँ पर हर चीज़ कम्प्लीट है। हमारा सिटिंग कंप्लीट है, वेंटिलेशन के लिए एक विंडो कंप्लीट है, डबल हाइट हमारी काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है, यूरोपियन वॉल हमारे सामने है, टीवी और एसी यहाँ पे हमारा कंप्लीट लगा हुआ है। तो यहाँ की हमारा जो लिविंग है वो कंप्लीट हो चुका है। उसी के बाद इस तरफ आए तो एक पार्टीशन किया हुआ है जिसके पीछे आपका डाइनिंग और किचन होने वाला है। अब जो पार्टीशन करा है ये फ्रूट ग्लास से किया हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, टिंटेड है, फ्रूट ग्लास है कि ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं बनती है, बट आपका जो पार्टीशन है वो काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। और उसी के आगे एक अनफॉर्मल मीटिंग जो है आप अपने यहाँ पर कर सकते हो, एक अनफॉर्मल सिटिंग जो है वो यहाँ पर आप बना सकते हो, जहाँ पर आपको ऊपर पूरा RCC किया हुआ है, जहाँ पर आपके प्रोफाइल लाइट और एक फ़ैन का अरेंजमेंट है कि यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हो, गपशप कर सकते हो, और अगर फ़ैन की कमी आपको खल रही तो फ़ैन जो है आप यहाँ पर इजीली लगा सकते हो। अब यहाँ से जो पार्टीशन है इसके पीछे हम चलें तो यहाँ मिलने वाला है हमें हमारा डाइनिंग और किचन, जो कि एक हमेशा साथ में होना चाहिए। लिविंग हमारा सेपरेट हो गया है। उसके बाद पीछे तरफ आएँ तो पार्टीशन, एक साइड हमें फ्रूट ग्लास और एक साइड हमारा RCC का पिलर था जिस पर हमने पैनलिंग जो की है वो वीनियर से की है। और पीछे तरफ आएँ तो यहाँ जो मिलने वाली है वह हमें मिलेगी तीन चीज़। यहाँ पर हमारा सबसे पहले मंदिर, उसी के बाद हमारा डाइनिंग सेक्शन और उसी के साथ हमारा किचन यहाँ पे जो हमें देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आगे की तरफ आए तो हम हमारे किचन को कवर करते हैं। एक किचन में हम लोग चाहते हैं कि अच्छा बड़ा किचन हो और स्पेशियस हो और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग किचन में खड़ों के काम कर पाएँ। तो किचन में मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये हमारा प्रॉपर किचन पोर्शन है। अब इसमें आप देखें तो सी शेप में आपको इसमें प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। एक तरफ आपको मिलेगा मेन आपका हॉब, जहाँ पे आप अपने घर की रसोई बना सकते हो, या आपका किचन, यहाँ पे आपका गैस आ गया, उसी के साथ चिमनी आ गई। फेसिंग के अकॉर्डिंग वेस्ट फेसिंग है तो यहाँ पे आपका किचन आना चाहिए, तो यहाँ पे आपका किचन दिया हुआ है। इसी से आगे आए तो यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए एक प्रॉपर विंडो दिया हुआ है, जो आप अपने वॉश एरिया की तरफ निकलेगा, जहाँ से आपका ओपन टू स्काई है, तो यहाँ से नेचुरल सनलाइट जो है वो आपको मिल जाएगी, एयर फ्लो जो है आपका वो यहाँ से बना रहेगा। उसी के बाद इस पोर्शन की बात करें तो ये होता है हमारा ड्राई प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप देख रहे हो माइक्रोवेव यहाँ रखा है, मिक्सी वगैरह आप यहाँ पर आराम से चला सकते हो। उसके लिए जो सॉकेट अरेंजमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट किए हुए हैं। उसी के बाद आता है हमारा वेट प्लेटफॉर्म, जो यहाँ पर आपको वॉश बेसिन दिया हुआ है, क्या आप अपने किचन में आपको जो यूटेंसिल्स हैं धोना है तो यहाँ पर आप आराम से कर सकते हो। आपका जो एक्वागार्ड हम लगाते हैं, RO जो लगाते हैं वो यहाँ पर लगा हुआ है, तो उसका जो एक स्पेस निकलता है वो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। इस तरीके से उसके जो अरेंजमेंट हैं वो किए हुए हैं। सामने आपको पूरी प्रोफाइल देखने मिल जाएगी, यहाँ पर टिंटेड ग्लास प्रोफाइल देखने मिल जाएगी, और नीचे आपको देखने मिलेंगे सारे टेंडम बॉक्सेस की सॉफ्ट क्लोज में दिए हुए हैं। ये आपका इस तरीके से जो किचन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के बाद अब अगर आप जो किचन का कलर देख रहे हो, ये पूरा है एक्रेलिक माइका, एक्रेलिक किचन इसको बनाया हुआ है, जो काफ़ी प्रीमियम होता है, काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। और एक बार आप दूर से देखोगे तो आपको देखने में जो किचन है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। इसी के बाद हमने यहाँ पे एक फ्रिज का स्पेस दिया था, जिसमें आप बड़ा फ्रिज लगा सकते हो, तो आपके सामने यहाँ लगा हुआ है कि एक बड़ा फ्रिज आप आराम से यहाँ पे इंस्टॉल हो सकता है। उसी के बाद यहाँ पे मिलेगी आपको हाईफाई टेबल, जिस पर आप आराम से आपका ब्रेकफास्ट कर सकते हो। हाईफाई चेयर उस पर लगी हुई है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि लगा सकते हो, बट यहाँ ऑलरेडी लगी है कि आप बैठो, अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पर इंजॉय करो, या अगर आपको सब्जी काटना है तो वो भी आप यहाँ पर अपने वेजिटेबल चॉप कर सकते हो। ये आराम से आप इसका यूज़ कर सकते हो। आज हम इस वीडियो में जो देखने वाले हैं वो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट वही होने वाला है कि हम हर वीडियो में बोलते हैं आप कर सकते हो, बट यहाँ पर वो हर चीज़ प्रैक्टिकली हमें देखने मिलेगी कि कैसे हम हमारे घर को सुंदर
बना सकते हैं। इसी के बाद अब हम थोड़ा सा घूमें तो जो हम एंटर हुए थे हमारे किचन में, यहाँ मिलने वाला है हमें हमारा डाइनिंग, जो कंप्लीट 6 लोगों का डाइनिंग यहाँ पर लगा हुआ है। और आप आराम से देख सकते हो कि 6 के 6 आपके जो चेयर हैं वो पूरे यूज़ हो सकते हैं। पीछे भी स्पेस दिया है कि वहाँ बैठने वाले अपनी चेयर को पीछे कर सकते हैं, और ये जो टेबल है वो पूरे 6 लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी के बाद जो पीछे की वॉल है उस पर एक अच्छा वॉल पेपर लिया है, या हाँ जो पीछे आप देख रहे हो ये वॉल पेपर है, एक शानदार सा वॉल पेपर जिस पर गणेश जी की शानदार सी मूर्ति फ़ोटो जो है वो लगी हुई है। तो जो व्यू है वो सामने का इस तरीके से आने वाला है। और जब आप यहाँ पर खाना खाओगे तो खाना खाते टाइम गर्मी नहीं होना चाहिए, उसके लिए फ़ैन यहाँ पर लगाया हुआ है और एसी की वायरिंग भी जो है वो निकाली हुई है। इसी के साथ ऊपर की जो सीलिंग है वो वीनियर और ग्लास के साथ बनाई है, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसके बाद एक कंसर्न हमेशा रहता है कि मंदिर है तो मंदिर और डाइनिंग कैसे आप साथ रख सकते हो, घर में कुछ अलग चीज़ बन रही है तो हम कैसे मंदिर और डाइनिंग साथ में हो सकता है। तो उसका मैं आपको अरेंजमेंट दिखाता हूँ कि जो मंदिर यहाँ बना है, पहले आप मंदिर देखो कि कितना सुंदर तरीके से मंदिर बना हुआ है, और उसी के साथ इसकी जो पैनलिंग की है वो पूरी वीनियर में की है। और जब ऐसा टाइम आता है कि हमें हमारा मंदिर बंद करना पड़ता है तो उसके लिए दोनों तरफ इतने शानदार जो गेट हैं वो आप देख सकते हो कि दोनों तरफ एक शानदार सा गेट दिया हुआ है कि आप अपने मंदिर को इस तरीके से बंद कर सकते हो। आपके मंदिर की और आपके डाइनिंग की जो प्राइवेसी है वो हो जाएगी। और अगर आप चाहो कुछ एक्स्ट्रा तो ब्लाइंड या कर्टन भी इस पे लगा सकते हो कि आपके मंदिर की और डाइनिंग की प्राइवेसी जो है वो यहाँ पे आराम से मेंटेन हो जाएगी। तो जो गेट है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। इसी के बाद इसे खोलें और चलें हम हमारे वॉश एरिया की तरफ। तो वॉश एरिया जो है वो हमारा इस तरफ होने वाला है, और वॉश एरिया में भी आपको एक बहुत शानदार चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले आप गेट देखो कि वीनियर से पूरा गेट बनाया है, पैनलिंग जो है पूरे वीनियर से की है। अब उसके बाद इस गेट को आप देखो कि जो मॉस्किटो गेट होता है वो हमें ज़रूरी होता है, बट हम चाहते हैं कि हमारे वॉश एरिया में जगह कम है, वार्डरोब या हमें हमारे वॉश एरिया में हमें स्पेस चाहिए है कि हम उसमें हमारा सामान रख पाएँ। तो हमने वहाँ पर जो है पूरा ड्रॉज के लिए पूरा कंप्लीट सेटअप दिया है। अब अगर वो देने के बाद हम बड़ा गेट यहाँ पर देते तो वो गेट खुलता नहीं, तो उसका आप देखो इलाज क्या किया है। वीनियर से पूरा गेट बनाया है और उस गेट को कंप्लीट हमने इस तरीके से करा है कि ये जो गेट है आपका पूरा खुल जाएगा, ये गेट आपका हाफ, तो यहाँ पे आपके जो पूरा स्टोरेज है वो भी आ गया, गेट भी आपका कंप्लीट हो गया और स्पेस भी आपकी जो है पूरी कवर हो गई। इसके बाद आप आगे की तरफ आएँ तो यहाँ मिलने वाला है हमें हमारा कंप्लीट वॉश एरिया, और इसी के ऊपर यहाँ से मिलेगा हमें हमारा स्पेस जो कि ओपन टू स्काई है, जिससे सनलाइट वगैरह जो है आपके वॉश एरिया में कंप्लीट आती रहेगी। तो इस तरीके से वॉश एरिया का जो इलाज है वो निकाला है, और निकाला नहीं है, ये प्लानिंग का ही खेल है। इसीलिए मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि आज आप जो वीडियो में देखने वाले हो वो वही चीज़ देखोगे जो हम हमेशा बोलते हैं कि हो सकता है बट यहाँ पर हुआ है। इसी के बाद बाहर आएँ तो हमारे लिविंग से जस्ट उसके पीछे साइड देखें जहाँ पर हमें एक बेडरूम मिलने वाला है, वहाँ चलते हैं। बट उसके पहले यहाँ मिलेगी हमें एक शानदार सी वॉश बेसिन और उसके नीचे कंप्लीट स्टोरेज जहाँ पे आप अपना सामान जो है वो रख सकते हो, वॉश बेसिन से रिलेटेड यानी कि हैंड वॉश, साबुन जो भी हमें रखना है वो आप यहाँ पर आराम से रख सकते हो। इसी के बाद इस चेयर के नीचे का जो स्पेस है वो यूज़ किया है एज अ स्टोर, कि हमारे पास बहुत सारा स्टोर होता है वो रखना होता है, तो वो यहाँ पर आप इसके नीचे आराम से रख सकते हो और एक अच्छा स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के बाद हमने जो LED वॉल देखी थी उसी के पीछे जो है यहाँ पर एक शानदार सा स्पेस निकाला है जिसमें आर्टिफैक्ट्स आप देख सकते हो, और उसी के नीचे सारे लाइट्स आपको प्रोफाइल लाइट देखने को मिल जाएंगे। तो जो यहाँ का पोर्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। इसी के बाद अब चलते हैं यहाँ से हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। बट उसके पहले यहाँ पर 900 स्क्वायर फीट पर एक आपको मिलने वाला है कॉमन वॉशरूम, जिसकी पैनलिंग जो की है वो ब्लैक ग्रेनाइट से की है, वीनियर डोर है, और एक शानदार सा वॉशरूम जो है आपको यहाँ देखने मिल जाएगा जिसमें प्रॉपर हर चीज़ के अरेंजमेंट हैं। पूरा आप शॉवर ले सकते हो, ड्राई पोर्शन आपको मिल जाएगा, वॉश बेसिन मिल जाएगा, और प्रॉपरली आपका यहाँ से वेंटिलेशन का स्पेस जो है वो दिया हुआ है। इसी के बाद अंदर की तरफ आएँ, इस गेट से ये बेडरूम जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो अंदर की तरफ आएँ तो अंदर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर एक वॉशरूम हमें फिर से मिल जाता है, यानी कि ये जो है आपका मास्टर बेडरूम है। गेट बंद करें तो यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पर अंदर आते से सबसे पहले जो मिलने वाला है वो मिलेगा हमें हमारा वॉशरूम, और इस वॉशरूम को भी आप देख सकते हो, प्रॉपर बड़ा वॉशरूम है।
शॉवर सेक्शन, ड्राई पोर्शन, हर चीज़ निकालिए, सीलिंग तक टाइल और आपका प्रॉपर वेंटिलेशन का स्पेस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के बाद जब वॉशरूम से आप निकलोगे तो वॉशरूम से निकलने के बाद होता है हमारा वार्डरोब सेक्शन, जो कि वो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपके वार्डरोब्स दिए हैं और ऊपर आपको एक सीलिंग लाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी, यानी कि वॉशरूम और वार्डरोब आपके कंप्लीट होते हैं। इसी के बाद आप अंदर आओगे तो आता है हमारा मेन पार्ट, यानी कि हमारा बेड। तो बेड यहाँ पे 6x6 का एक शानदार सा लगा हुआ है। बेड के पीछे बेड हेड आपको देखने मिल जाएगा और उसके पीछे जो वॉल आप देख रहे हो, ये आपके पास जो आप देख रहे हो ये है वॉल पेपर और ये की है वॉल माउंटिंग, वॉल मोल्डिंग जिसे हम बोलते हैं वो की है, जैसे कि आपकी जो वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है दूर से देखने में, जिस पर एक हैंगिंग लैम्प आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के बाद ऊपर की तरफ जो किया हुआ है वो किया हुआ है फॉल्स सीलिंग और आप जो ऊपर यू शेप में देख रहे हो वो है आपके बेड के पैरेलल चलने वाली फॉल्स सीलिंग, यानी कि जैसा बेड है वैसी ही ऊपर फॉल्स सीलिंग की हुई है। उसके बाद एक वार्डरोब हमें यहाँ मिल जाता है, यानी कि मेल फीमेल वार्डरोब जो है वो अलग अलग हो गए और उसी के बाद वेंटिलेशन के लिए हमें मिल जाएंगे यहाँ पर प्रॉपर विंडो, जिसमें आपको खोलोगे तो प्रॉपर नेचुरल सनलाइट जो है आपके अंदर आ सकती है। वेस्ट फेसिंग है तो शाम ढलते ढलते तक भी आपके बेडरूम में उजाला जो है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। जैसे बाहर गार्डनिंग की है तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके जो बाहर की ग्रीनरी है वो भी आप यहाँ से उसका लुफ्त जो है वो उठा सकते हो। इसी के बाद इस तरफ होता है हमारा LED पैनल वॉल, जिस पर हमारा एक शानदार सा LED लगा हुआ है, पीछे वॉल पेपर है और ये पूरा हमारा एक LED पैनल बनाया हुआ है, जिसमें नीचे भी आपको काफ़ी सारे स्टोरेज जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आपका जो बेडरूम है इसमें कम्प्लीटली आपके सारे काम हो चुके हैं, जिसमें हमें हमारा पर्सनल वॉशरूम मिल जाता है, बेड, वार्डरोब, LED स्पेस, AC का स्पेस जो बचता है वो बचता है हमारा ड्रेसिंग एरिया। तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए एक बड़ा मिरर, यहाँ पर आपको नीचे स्टोरेज और उसके बाद यहाँ पर भी आपको देखने को स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप अपना जो भी कॉस्मेटिक है वो आराम से रख सकते हो। और तैयार होने में अगर टाइम लगता हो तो बैठने की व्यवस्था भी प्रॉपर की है कि आप आराम से बैठ के तैयार हो सकते हो। उसके बाद अब चलते हैं हम हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ और इस एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसमें आपको ओपन थिएटर देखने मिलने वाला है, जकूजी देखने मिलने वाली है। 900 स्क्वायर फीट पे अगर आपको महल चाहिए है तो आप इस चीज़ को देख सकते हो, जो कंप्लीट पैकेज के हिसाब से बनाया हुआ है। बट उसके पहले एक बार आप नीचे का कंप्लीट टूर ले लीजिए, फिर यहाँ से चलेंगे ऊपर की तरफ और वहाँ देखेंगे और भी सारी चौंकाने वाली चीज़ें। जी, नीचे का आपने कंप्लीट टूर लिया, अब चलते हैं यहाँ से हम हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पे चलने के पहले हमें जो स्टेयर मिलने वाली है, एज यूजुअल जो आप हमेशा देखते हो, जिसका हम लोग भी हमेशा ध्यान रखते हैं, एंटी स्किड ग्रेनाइट हमें यहाँ मिलने वाला है, या ट्रीटेड ग्रेनाइट आप बोल सकते हो यहाँ मिलने वाला है, वो इस पर यूज़ किया हुआ है। उसी के नीचे पूरे आपको प्रोफाइल लाइट्स देखने मिल जाएंगे और यहाँ मिलने वाला है सागवान का टॉप विथ टफन ग्लास। चौड़ाई की बात करें तो 3 फिट की है, चौड़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 3 फिट की चौड़ाई के साथ चलेंगे ऊपर तो सामने जो देखने मिलेगा ये मिलेगा हमें वॉल टेक्सचर, जो वॉल पे आप देख सकते हो जिस पे पूरा ग्रूव करके बनाया है और बीच में पल्की फाइन आपको देखने मिल जाएगा।
एक सीओवी लाइट आपको यहाँ देखने मिलेगी और ऊपर चलेंगे तो जो मेन स्पॉट्स हैं वहाँ पर आपको ये लाइट देखने मिलेगी, जैसे कि एक लाइट आपके इस तरफ आपको देखने मिल जाएगी और ऊपर आएंगे तो उसके बाद जो मेन नज़ारा है घर का वो आपको देखने मिलेगा, यानी कि आपके डबल हाइट। जब आप ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको जो ऊपर की सीलिंग है सबसे पहले आप वो देखिए जो वीनियर में बनाई है जो काफ़ी सुंदर लग रही है। उसी के बाद एक शानदार सा अट्रैक्टिव सा शैंडिलियर आपको यहाँ देखने मिलेगा जो आपकी डबल हाइट के साथ है, और इसी के बाद जो आपकी डबल हाइट की वॉल है वो भी आप देख सकते हो जो काफ़ी सही तरीके से डेकोरेट की हुई है। तो एक इस तरीके से आपका डबल हाइट का सीन होता है। उसके बाद मेन जो चीज़ है कि आपका जो लॉबी सेक्शन होता है, तो लॉबी सेक्शन आप देख सकते हो कि हम फर्स्ट फ्लोर पर आकर खड़े हुए हैं, तो यहाँ की जो लॉबी है काफ़ी सही तरीके से डिज़ाइन किए। पहले तो हमें मिलता है पाथवे जो दो बेडरूम को कनेक्ट करता है, और उसके बाद एक मिलता है हमें सेटआउट एरिया जहाँ पे आपका प्रॉपर सोफ़ा अरेंजमेंट किया हुआ है कि आप आराम से यहाँ बैठ सकते हो, दो लोग बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। यहाँ पे एक शानदार सा एनवायरनमेंट है जिसको आप देख सकते हो, एक शानदार सा एम्बियंस है जिसको आप एंजॉय कर सकते हो। उसी के बाद यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपना एक स्टडी टेबल लगाकर बैठ के पढ़ भी सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम अगर आपका है तो यहाँ बैठ कर आप कर सकते हो। पीछे की जो वॉल है उस पर प्रॉपर आपको एक शानदार सा डिज़ाइन दिया हुआ है, वॉल टेक्सचर किया है कि आपकी जो वॉल है वो भी खाली नहीं होने वाली है। और उसी के साथ अगर आप यहाँ बैठे हो, आप कुछ पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट है कि आप अपना बुक शेल्फ यहाँ पे दिया है कि आप अपने उसमें बुक्स आराम से जमा सकते हो, आराम से रख सकते हो, यहीं से लेकर यहीं बैठ के पढ़ सकते हो। तो एक इस तरीके से आपकी जो लॉबी है उसके अरेंजमेंट किए हुए हैं। इसके बाद अब चलते हैं हम हमारे फर्स्ट बेडरूम में जो कि फर्स्ट फ्लोर का होने वाला है। ये बेडरूम यह बैक साइड का है, पहले हम चलते हैं इसमें, इसके बाद हम चलेंगे फ्रंट बेडरूम में। जो इसकी पैनलिंग की है वो की है वीनियर में, और वीनियर डोर आपको इसमें देखने मिल जाएगा। इसे खोलें तो इस बेडरूम का जो नज़ारा है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि ये किड बेडरूम है तो डिज़ाइन उस तरीके से करा है। आप अंदर आओगे तो सबसे पहले आपकी जो नज़र है वो जाने वाली है आपकी मेन वॉल पर, जो कि आपका बेड हेड है, उसको पूरा डिज़ाइन करा है बच्चों के हिसाब से, जैसे कि आपका 6x6 का बेड, उसके पीछे कंप्लीट सीलिंग तक बेड हेड, और उसके साइड में अगर आप देखो तो पूरा मोल्ड कर इस वॉल को पूरा कंप्लीट करा है, जिस पर आपको यहाँ दिए हैं वॉल पेपर। उसी के बाद दो हैंगिंग लैम्प, और जो आपकी ऊपर देखने मिलेगी वो मिलेगी आपको POP फॉल सीलिंग जो काफ़ी सही तरीके से की है, और उसी के आगे आपको मिलेगा एक सेटआउट जो आपके बेड के अगर आप चाहो तो बैठ सकते हो, जो कि इसी से पूरा मैचिंग में दिया हुआ है। इसके बाद मेन चीज़ बचती है रूम में, वो बचती है कि भाई हमारा वेंटिलेशन कहाँ से आएगा। तो वेंटिलेशन के लिए एक बड़ा सा विंडो आपको यहाँ देखने मिलेगा, जो कि जिसके कर्टन का जो कलर है वो भी बच्चों के हिसाब से लिया है, पिंकिश कलर में दिया है, और डोमाल सेक्शन को इसको यूज़ किया है जिसपे दो ग्लास पैनल एक मॉस्किटो नेट आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका जो नीचे का जिसको पेस्टिंग करी है जिसको लगाया है वो आपका ब्लैक ग्रेनाइट पर दिया हुआ है। तो ये होता है आपका एक वेंटिलेशन स्पेस तो ये होता है आपका एक वेंटिलेशन स्पेस। इसी के बाद बात करें बेड के अपोजिट वॉल की, तो वो होने वाली है आपकी एक शानदार सी वॉल जिस पर टीवी और स्टडी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ये सबसे पहले आपको मिलेगा आपका टीवी जो आप यहाँ पर लगाया हुआ है, उसी के बाद यहाँ मिलने वाला है आपको उसके नीचे का स्टोर जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो, टीवी से रिलेटेड न्यूज़पेपर वगैरह इसमें रख सकते हो। इसी के साथ इस तरफ मिलेगा आपको आपका स्टडी जिस पे आप बैठ के आराम से पढ़ सकते हो, यहाँ पे आप अपने आर्टिफैक्ट्स रख सकते हो, इसके अंदर आपके बुक्स वगैरह जो है वो आप आराम से जमा सकते हो। और अगर आप देखो तो जो बॉक्सेस हैं दो अलग अलग शेड में लिए हैं, जिससे कि जिसमें लाइट्स दिए हैं कि आपको आर्टिफैक्ट्स रखना हो, बुक्स रखना हो, तो रखने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेंगे। इसी के बाद इस तरफ ऊपर दिया है AC का स्पेस, जिससे कि आपका जो वॉल है वो कम्प्लीट पूरा सेटअप हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा ड्रेस एरिया। ड्रेस एरिया पूरा डिज़ाइन करा है बच्चों के हिसाब से, जो कि पूरे रूम का थीम है। यहाँ पर आपको वार्डरोब्स मिल जाते हैं सेम उसी कलर में, लाइटिंग अरेंजमेंट्स के साथ, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ मिल जाता है आपको एक बड़ा सा मिरर जिसमें आप खड़े होकर आराम से तैयार हो सकते हो।
टाइम लगता हो तो बैठ कर भी तैयार हो सकते हो। इस तरफ आपको स्पेस मिल जाएगा आपका कुछ भी सामान रखने के लिए, जो कि हमारा कॉस्मेटिक होता है वो आप यहाँ पर रख सकते हो, और उसके नीचे भी आपको ड्रॉज मिल जाते हैं जिसमें अपना सामान जो है वो आप रख सकते हो। स्पेस नीचे खाली है कि उसमें आपका जो काउच है वो आप आराम से रख सकते हो। उसी के बाद यहाँ आता है हमारा मेन वॉशरूम इस बेडरूम का, जो वापस से उसकी पैनलिंग की है ब्लैक ग्रेनाइट में वीनियर डोर के साथ, और एक बड़ा सा वॉशरूम हमें यहाँ देखने को मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और उसको जो डिफाइन करा है वो इस तरीके से कि यहाँ पर आपका पूरा ड्राई पोर्शन दिया है, इस तरफ एक शानदार सा वॉश बेसिन और एक अच्छा बड़ा स्पेस आपको इस तरफ दिया हुआ है। और उसी के बाद इस तरफ आपको मिलने वाला है आपका शॉवर सेक्शन, जो कि एक ग्लास से स्पेशली अलग से बनाया है कि आप अगर अंदर शॉवर लेते हो तो आपका जो वॉशरूम है वो पूरा गंदा नहीं होने वाला है। तरीके से आपका जो बाथ एरिया है और जो वॉशरूम है पूरा कंप्लीट अलग किया हुआ है। इसके बाद अब चलते हैं हम हमारे फ्रंट बेडरूम की तरफ। टोटल 4 BHK का घर होने वाला है, जिसमें जकूजी, गजीबो, आपको सारी चीज़ देखने मिलेगी। अभी कंप्लीट हुआ है हमारा फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। सेकंड बेडरूम में भी हम चलने वाले हैं, ओवरऑल आपका थर्ड बेडरूम होने वाला है। इसके ऊपर चलेंगे हम हमारे फोर्थ बेडरूम में, बट अभी ये होता है हमारा थर्ड बेडरूम जो कि फर्स्ट फ्लोर पे होने वाला है। पैनलिंग जो है वो वीनियर से की है, वीनियर डोर देखने मिलेगा, और इसे खोलने तो एक अच्छा बड़ा स्पेस और आप आते हो आपके बेडरूम में। अब सबसे बड़ी चीज़ हमारे बेडरूम की, कि जो हम लोग अधिकतर सोचते हैं कि हमारे बेडरूम में हमने बेड लगा लिया, टीवी लगा ली, फिर स्पेस ख़त्म हो जाएगा, तो आपको लाइव एग्जांपल में बता रहा हूँ कि 6x6.5 का बेड यहाँ लगा है, एक शानदार सा टीवी लगा हुआ है, पीछे LED वॉल आप देख सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा शानदार बनी है, जिसका जो नीचे आप देख रहे हो ये पूरा वीनियर से कंप्लीट किया है, जिसमें आपको स्टोर स्पेस जो है देखने को मिल जाएगी। इसी के बाद पीछे की अगर बात करें तो पीछे हमें ये जो मिलेगा, ये मिलेगा वॉलपेपर, और ये पूरा जो आप देख रहे हो MDF पे कलर किया हुआ है, जो 3D डिज़ाइन के साथ दिया, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और पीछे अगर आप देखो तो पूरा वॉलपेपर, और वॉलपेपर के साथ ये आप जो देख रहे हो वीनियर से बनाया है, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है, यानी कि आपकी जो LED वॉल है वो कंप्लीट होती है। इसी के बाद आपकी एक वॉल जो है इस पर भी वॉलपेपर लिया है, और एक शानदार सा वॉच आपको यहाँ देखने मिल जाएगा, यानी कि जो वॉल है वो काफ़ी मिनिमलिस्टिक हो गई है, जो काफ़ी शानदार और एक अच्छे शेड का वॉल उस पर वॉलपेपर लिया है, और उसी के साथ एक अच्छी क्लॉक उस पर जो है वॉल क्लॉक लगाई हुई है। इसी के बाद ऊपर की तरफ अगर देखें तो एक शानदार सी फॉल सीलिंग आपको देखने मिल जाएगी, और फॉल सीलिंग के साथ आपको एक चीज़ और बताऊं तो आप यहां से खड़े होकर देखिए तो जो बेड हेड है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, जो हमने LED पैनल हमारा देखा है उसी से मैच में दिया हुआ है। आपका जो बेड हेड है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, दोनों तरफ आपको लैंप्स मिल जाएंगे, और उसी के बाद बीच में आप गोल्डन स्ट्रिप जो है वो देख सकते हो, और इसके जो पीछे है जो हमने डबल हाइट देखी है वो डबल हाइट का जो व्यू है वो आपको पीछे से आने वाला है। यहाँ पर आपको इस तरीके से डबल हाइट का जो व्यू है वो आने वाला है। तो इस तरीके से आपका ये बेडरूम कंप्लीट होता है। बट अब इसके बाद मेन कंसर्न कि हमारा ड्रेस कहाँ आएगा। ड्रेस में चलने के पहले आपको दिखाता हूँ कि बेडरूम का बेड कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर आपको एक सोफ़ा भी मिलता है 2-सीटर, जिस पर आप आराम से बैठ सकते हो, आराम से आपके बेडरूम में एंजॉय कर सकते हो। एक शानदार सी ऊपर फॉल सीलिंग के साथ यहाँ अगर आप देखो तो ये जो ऊपर आप देख रहे हो पूरा प्रॉपर वीनियर में इसकी सीलिंग बनाई है, जिस पर 2 COV लाइट्स आपको देखने को मिल जाएगी, और एक शानदार सी जो फॉल सीलिंग है वो हो जाएगी। इस कर्टन के पीछे हमें मिलने वाली है हमारे इस रूम की बालकनी, बट वहाँ चलने के पहले मैं आपको इसका ड्रेस एरिया दिखाता हूँ, वो भी काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। यहाँ पर आप पैनलिंग जो देख रहे हो ये करी है वीनियर में, और जैसे ही आप ड्रेस एरिया में आओगे तो यहाँ पे एक अच्छा बड़ा स्पेस आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले एक मून स्टाइल में आपको यहाँ पर एक इसका मिरर देखने मिलेगा, उसी के पीछे आप लाइट्स देख सकते हो, प्रॉपर वीनियर में इसके पीछे काम किया हुआ है। यहाँ पे आपका स्टोर मिल जाता है कि आपके जो कॉस्मेटिक है वो आप रख सकते हो, बैठकर आराम से तैयार हो सकते हो। नीचे भी लाइटिंग अरेंजमेंट्स किए हैं और ये वीनियर से पूरा कंप्लीट किया हुआ है। उसी के बाद यहाँ आपको वार्डरोब्स देखने मिलेंगे, और एक मिलेगा हाईलाइटर जिसमें आप जो भी चीज़ रखोगे आपकी वो रिफ्लेक्ट होने वाली है। इसी के बाद यहाँ पर आए तो ये मिलेगा आपको इस वाले बेडरूम का वॉशरूम, जो ब्लैक ग्रेनाइट के साथ वीनियर डोर दिया हुआ है। और चलें अंदर की तरफ तो एक अच्छा बड़ा वॉशरूम ये होने वाला है। सबसे पहले बात करें तो ये हमें मिलता है अंदर आते से शॉवर सेक्शन, जो कि एक साइड है, फिर मिलता है हमें हमारा ड्राई पोर्शन, और उसी के बाद वॉश बेसिन। बट एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, अंदर आओ तो यहाँ मिलेगा एक शानदार सा टब, जिसमें आप अपने वॉशरूम में बैठ के एंजॉय कर सकते हो। जब टब होता है तो अंदर तो हम
ज़्यादा टाइम स्पेंड करते ही हैं, तो यहाँ पे मिलने वाला है आपको एक शानदार सा टब। और वॉशरूम में अगर देखें तो टाइल सिलेक्शन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार किया हुआ है। टब के ऊपर तरफ हम आएँ तो यहाँ पे मैट फिनिश टाइल जो है वो इसमें यूज़ की हुई है, और उसी के साथ इस तरफ अगर आप देखो तो रियल स्टोन जो है प्रोफाइल लाइट के साथ यूज़ किया हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। तो वॉशरूम जो है इससे आपके वॉशरूम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। इसी के बाद वॉशरूम से निकलें तो इस तरफ होने वाला है हमारी बालकनी, एक अच्छे बड़े गेट के साथ यहाँ पर आती है हमारी बालकनी। मेन सबसे पहली चीज़ होती है सेफ्टी, तो सेफ्टी के लिए आपको आयरन रेलिंग यहाँ पे दिए जो रोल होती है इसको पीछे खसकाएं तो काफ़ी हैवी है बट ज़रूरी है सेफ्टी के लिए। उसी के बाद एक मिलेगा हमें हमारा मॉस्किटो नेट का डोर, उसको भी पीछे करें तो मिलता है ग्लास डोर, इसको खोलें तो एक अच्छी बड़ी चौड़ाई जो है वो आपको यहाँ देखने मिलेगी जो कि 5 फीट के अप्रॉक्स है, जिसमें से आप निकलोगे तो आप आते हो आपकी बालकनी में जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। बच्चों के टॉयज़ यहाँ पर जमे हुए हैं बट ये आपकी एक अच्छी बड़ी बालकनी आपको मिल जाती है, जिसमें ऊपर की तरफ अगर आप देखो तो ये वॉल टेक्सचर किया है जो पूरा फीलिंग दे रहा है हमें पीवीसी शीट की, बट ये वॉल टेक्सचर पे लाइट्स हमें देखने को मिल जाएगी। और इस तरफ जो हमने एलिवेशन से देखा था वो वर्टिकल गार्डन हमें इस तरफ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो बालकनी है वो कंप्लीट होती है, जिससे कि जो फ्रंट की तरफ दी हुई है। सेफ्टी की बात करें तो एसएस के रेलिंग और टफन ग्लास आपको यहाँ देखने मिल जाएगा, और नीचे जिस पर लगाया है वो है ब्लैक ग्रेनाइट, जिससे कि आपकी जो बालकनी है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। इसके बाद अब चलते हैं हम हमारे 4th बेडरूम की तरफ, बट उसके पहले एक बार आप इस फ्लोर का कंप्लीट टूर ले लीजिए, फिर हम चलेंगे यहाँ से ऊपर जहाँ हमें ओपन हमारा गजीबो सेटिंग देखने मिलेगी जो कि थिएटर के साथ है, जकूजी देखने मिलेगी जो हमारे वॉशरूम में लगी है, और एक काफ़ी अच्छा एम्बियंस है जो हमें हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे देखने को मिलेगा, बट उसके पहले इस फ्लोर का एक टूर ले लीजिए। हाँ जी, ग्राउंड फ्लोर देखा, फर्स्ट फ्लोर देखा, अब चलते हैं यहाँ से हमारे सेकंड फ्लोर की तरफ जहाँ हमें गजीबो थिएटर और साथ में जकूजी देखने को मिलने वाली है। आप यकीन मानिए 900 स्क्वायर फीट पे इतना कुछ बहुत कम जगह ऐसी प्लानिंग होती है। अगर ऐसी प्लानिंग आप चाह रहे हो तो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपके प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कराना है तो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और अगर हमसे बना हुआ मकान लेना है तो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सेम एज इट इज़ जो हमने नीचे देखा था ब्लैक ग्रेनाइट जो ट्रीटेड है, यहाँ पर आपको मिलने वाला है सागवान का टॉप, और उसी के बाद सामने मिलने वाली है एक शानदार सी वॉल टेक्सचर, जिसमें ऊपर की तरफ अगर देखें तो एक काफ़ी ज़्यादा शानदार जो एम्बियंस है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर चलें तो यहाँ होने वाला है एक धमाका जो कि सामने की तरफ है, एक शानदार सा गजीबो जो कि थिएटर में भी कन्वर्ट है, और यहाँ मिलने वाला है एक शानदार सा शैंडिलियर जो कि आप नीचे तक का पूरा व्यू जो है वो देख सकते हो। एक शानदार सा व्यू आपने देखा,
अब यहाँ एक नज़र मार लीजिए, इस पे चलेंगे हम बाद में, पहले चलते हैं इस बेडरूम में जिसमें हमें मिलने वाली है जकूजी। बट यहाँ है एक शानदार सा गजीबो ओपन थिएटर के साथ। बट पहले चलते हैं इस बेडरूम में जो कि होने वाला है हमारा फोर्थ बेडरूम, जिसकी पैनलिंग वापस से वीनियर में करी है, वीनियर डोर लिया हुआ है। और अंदर आए तो एक इसका जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेड से, जो आप देख रहे हो 6x6 का बेड। बेड के पीछे शानदार सी वॉल जिस पर ये वॉलपेपर है, पीछे एक मेटल आर्टिफैक्ट, और उस तरफ अगर देखें तो उस तरफ हमें मिलने वाले हैं पीवीसी लोअर्स, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है, जिससे कि आपका जो ये व्यू है इस वॉल का वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। दोनों तरफ हमें बेड स्टूल्स मिल जाएंगे और ऊपर की तरफ एक शानदार सी फॉल सीलिंग जिस पर 4 सीलिंग लाइट और बीच में बॉम वाइट लाइट हमें देखने को मिल जाएगी। इसी के बाद वेंटिलेशन जो है वो आपका इस जगह से आने वाला है, जो हमने हमारे नीचे वॉश एरिया में देखा था वहीं से ये ऊपर तक कंटिन्यू हुआ है, जिससे कि हमारा जो वेंटिलेशन है वो इस रूम में प्रॉपर हमें देखने को मिल जाएगा। इसी के बाद बात करें तो इस तरफ जो वॉल मिलने वाली है ये मिलेगी हमारी एलईडी वॉल, जिस पर एक एलईडी लगा हुआ है, पैनल हमारा एलईडी का बना हुआ है। नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको प्रॉपर अरेंजमेंट्स दिए हैं आपका सामान रखने के लिए, जिसको पीयू में बनाया हुआ है, जिस पर पीयू किया हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। और ये हमें मिल जाएंगे पीवीसी लोअर्स, जो काफ़ी सुंदर काफ़ी शानदार आपकी इस वॉल को बना देते हैं। इसी के बाद एक हमें स्पेस मिलती है यहाँ पे, जिसके आगे आप देख रहे हो कि आपके बेड के आगे का स्टूल है, जहाँ पर आप आराम से बैठ भी सकते हो। अब बेड लगने के बाद, टीवी लगने के बाद भी एक अच्छा स्पेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। एसी भी कंप्लीट है, वेंटिलेशन स्पेस भी निकला हुआ है। इसी के बाद फिर भी यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस आपको रूम में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अब चलें इस तरफ, तो यहाँ पर एक गेट दिया है, जिसे हम लगा दें तो ये हमारी प्राइवेसी हो जाती है। जैसे कि इस गेट को बंद कर दिया तो इस बेडरूम की प्राइवेसी हो गई है। और इस गेट के पीछे जो है, इसमें है हमारा वॉशरूम ड्रेस एरिया, और वॉशरूम में लगी है शानदार सी जकूजी, जो अभी हम देखने वाले हैं। बट उसके पहले जो गेट है वो पूरा वीनियर से बनाया है, जिस पे ग्लास आप देख रहे हो जो कि फ्रॉस्टेड ग्लास है, और ऊपर की तरफ भी आपको फ्रॉस्टेड ग्लास जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसे खोल लें तो खोलने के बाद एक यहाँ पर जो स्पेस दिया है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं आपके वार्डरोब, एक बड़ा सा ग्लास आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा जिस पर आप तैयार हो सकते हो। और इस तरफ मिलने वाला है आपको आपका वॉशरूम। सबसे पहले आता है यहाँ पे आपका वॉश बेसिन विद कैबिनेट, जिसमें आप कोई सामान रख सकते हो। उसी के बाद एक ग्लास से पार्टीशन करके यहाँ मिलता है आपको आपका ड्राई पोर्शन, और ड्राई पोर्शन के बाद इस तरफ मिलता है आपका शॉवर सेक्शन, जिसको येलो स्टोन और ब्लैक टाइल से काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। और उसमें अगर आप चाहते हो कि आपका पानी जो है बाहर ना आए, तो एक ग्लास से उसका जो पार्टीशन है वो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद इधर आप देख सकते हो, इधर होने वाली है आपकी कपल जकूजी, जो काफ़ी सही तरीके से डिज़ाइन करी है। पीछे पूरा वर्टिकल ग्रास दिया हुआ है, लीव्स दिए हैं, जो काफ़ी शानदार लग रहा है। और इधर पूरा आपका जकूजी, जिसके जो मोड्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप यहाँ पे आराम से इस माहौल का मज़ा जो है आपकी वॉशरूम में आराम से ले सकते हो। इसको डिज़ाइन जो है वो उस तरीके से ही करा है कि आप इसमें अपने जकूजी के जो मज़े हैं वो आराम से ले सकते हो। तो ये होता है आपका जकूजी वाला पार्ट कंप्लीट, जिसमें आपका जकूजी दिया हुआ है, और एक बेडरूम वाला पार्ट कंप्लीट, जिसमें आपको बेडरूम के साथ ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इसी के बाद अब चलते हैं हम हमारे टेरेस की तरफ। बट उसके पहले सेफ्टी की बात कर लें तो यहाँ पे हमें मिलता है एक आयरन रेलिंग, जिसको खोलें तो खोलने के बाद एक मिलता है हमें हमारा मॉस्किटो नेट वाला डोर, उसको खोल लें तो फिर आता है हमारा ग्लास पैनल, और उसको भी खोल लें तो एक अच्छी खासी चौड़ाई जो है वो आपको देखने मिल जाएगी। उसके बाद जब आप अपने टेरेस पर आते हो तो यहाँ पर चेक्स वाले आपको शानदार सा टाइल मिल जाएगा, जो कि मैट फिनिश में है। और इसी के ऊपर की तरफ अगर देखें तो पूरा गजीबो अरेंजमेंट किया हुआ है, जिस पर आपको पाइन वुड से पैनलिंग करी है, जिसके चारों तरफ लाइट दी हुई है। और यहाँ पर सामने की तरफ एक शानदार सा एम्बियंस बन जाता है जब आप मूवी देखते हो, जो का प्रोजेक्टर है वो आपके पीछे तरफ लगाया हुआ है, जैसे कि जब आपको प्रोजेक्टर चालू होता है तो इस वॉल को पूरा कन्वर्ट कर देता है आपके थिएटर में। तो आप इस वाले पोर्शन का एम्बियंस अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक काउंटर मिल जाता है, जिस पर अगर आप
माइक्रोवेव वगैरह चलाना चाहते हो तो आप वो चला सकते हो। यहाँ पे आपका बार टॉप दिया है जिसमें आपके ग्लासेस वगैरह जो हैं वो रखे हैं, और अगर आप अपने यहाँ पे बनाते हो तो अभी आप आराम से रख सकते हो। एक फ्रिज का अरेंजमेंट यहाँ पर किया हुआ है, और ये जो वॉल आप देख रहे हो जिस पे वर्टिकल गार्डन दिया है, बीच में पूरा पाइन वुड दिया हुआ है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। दोनों तरफ आपको टाइल्स मिल जाएंगे जो कि एलिवेशन टाइल है, जिससे कि आप दूर से जब इस एम्बियंस को देखोगे, इस एनवायरनमेंट को देखोगे, तो वो इस तरीके से आपको जो है व्यू देने वाला है। शानदार सा एम्बियंस जो है वो आपको देखने मिलेगा, जिसमें कि आप इसको एज अ थिएटर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जो प्रोजेक्टर लगा हो रहा है आप एज अ फैमिली सिटआउट में यूज़ कर सकते हो, जिसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, जिसको आप जिस भी चीज़ में चाहो यूज़ कर सकते हो। यकीन मानिए 900 स्क्वायर फिट की ये प्लानिंग जो काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये आपका था फ्रंट एलिवेशन, जिसके नीचे हम आके खड़े हो गए, जिसमें चार सीलिंग लाइट आपको फ्रंट से देखने मिल रही थी। तो ये आपका एक 900 स्क्वायर फिट का प्रोजेक्ट था जो कि कम्प्लीट होता है। अब इसका जो डायमेंशन मैंने आपको बताया था वो था 20x45, यानी कि इसका जो फ्रंट था वो 20 का था, इसकी जो डेप्थ थी वो 45 की थी, फेसिंग वेस्ट थी। बट फेसिंग का ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, अगर आपका भी प्लॉट हो और उस पर आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो, हमारे साथ विजिट प्लान भी कर सकते हो, हमारे कंस्ट्रक्शन साइट्स भी देख सकते हो। ये एक शानदार सा प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आए थे, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिए जो अभी अपने लिए घर देख रहे हैं या जो अपने लिए घर बनाने का सोच रहे हैं। मैं तो सर्च में प्रॉपर्टी से अविनाश, कैमरे के पीछे शिरीष, और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए और भी अच्छी अच्छी अपडेट्स के लिए।